जिसका पहला शेर अभी आपने सुना मोहतरम जनाब अल्लामा मौलाना सैयद मुजफ्फर शाह साहब की जुबानी। फर्क यह था कि वो नज़म के अंदाज में नसर के अंदाज में पढ़ रहे थे और मैं उसको तरन्नुम में पढ़ता हूं। वो तहतुल लफ्ज पढ़ रहे थे और मैं तरन्नुम में पढ़ता हूं। क्या शानदार नात कही आ रहा है। नात इसको कहते हैं। गुलाम जाता है तो बड़ा मिस्कीन बन के जाता है और जाता भी है तो बड़ा नरसता हुआ जाता है कि जाऊं भी कि नहीं जाऊं, और मैं हूं भी नहीं इस लायक के नहीं, और जाऊं तो कैसे जाऊं, क्या मुंह दिखाऊं। गुलाम तो ऐसे जाता है और वहां गुलाम कुछ यहां पे ऐसे ही बने हुए हैं जो कहते हैं कि बस फरिश्तों खबर कर दो कि खादिम तुम्हारा आ रहा है। तो वो तू है कौन कि फरिश्तों को बोलो, हैं फरिश्तों को बोलो कि वो खबर कर दो कि आ रहा हूं। ऐसे जाते गुलाम ऐसे जाता है क्या? मुझे अभी अभी मैं पीछे बैठा हुआ था, काफी देर से बैठा हुआ था मैं, और मैं शाह साहब का पूरा बयान सुन रहा था माशाल्लाह। देखो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, अभी मैं पीछे बैठा हुआ था तो एक पंखे वाला था, वो बार बार पंखा कर रहा था तो मैंने उसको रोक दिया। क्यों? इसलिए कि मुझे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का एक वाक्य याद आ गया। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, गर्मी थी, पसीना हो रहा था, एक गुलाम पीछे से मोहब्बत में इसने पंखा झूलना शुरू कर दिया। जब नमाज खत्म हुई तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने इनसे बुलाया कि ये क्या कर रहे थे। कहा हुजूर आपको गर्मी हो रही थी इसलिए मैं पंखा कर रहा था। तो आपने फरमाया क्या ये अच्छा लगेगा कि एक गुलाम जब अपने आका की बारगाह में हाजिर हो तो ये इस अंदाज से जाए कि इसके पीछे भी कोई यूं बैठा हो, ये पंखा करने वाला हो, तेरी मोहब्बत का शुक्रिया मुझे पसंद नहीं, आइंदा मत कर, आइंदा मत कर। ये होते हैं गुलाम। और तू चमार फरिश्तो खबर दे दो खादिम तुम्हारा सईदा है। हाय हाय, देखो ये होता है फर्क इश्क वालों में और बेअदबों में। हुजूर आला हजरत ने नात कही, नात तो सुनो क्या फरमाते हैं। अर्श हक है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, देखनी है किस किस को देखनी है, कोई देखे ना देखे उनकी इज्जत दिखाई जाएगी। कोई देखे ना देखे मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कोई देखेगा नहीं, खुदा की कसम हर कोई देखेगा, अपने भी देखेंगे गैर भी देखेंगे, और उधर तो मानेंगे भी, उधर मानेंगे लेकिन उधर मानना कबूल नहीं होगा। मेरे इमाम कहते हैं आज ले इनकी पना, आज मदद मांग इनसे, वो फिर ना मानेंगे कयामत में, अगर माने कयामत में तेरा बाप भी मानेगा, वो तेरा बाप जिसकी नस्ल से तुम हो। एक है बताओ मैं ना, वो हुजूर की बगा में एक सरकार माले गनीमत तकसीम फरमा रहे थे, एक शख्स आया और कहा इहदर या मोहम्मद, ए मोहम्मद अदल करें। किसको कह रहा है, किसको कह रहा है? साहबा को बड़ा गुस्सा आया और चाहते थे कि बस इसकी गर्दन उड़ा दें, लेकिन हुजूर ने फरमाया कि छोड़ो, इसकी नस्ल से आएंगे, इसकी नस्ल से पैदा होंगे, तू क्या तेरा बाप भी माने लेकिन मानना कबूल नहीं होगा। आइए इस मिसरे में
और इस शेर में एक मतलब फिर मेरे साथ शामिल हो जाए और कोई लब कोई जबान खामोश ना हो। बाबा से बोला देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। लावा रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, लावा रब्बिल अर्श जिसको जो मिला जितना मिला जब मिला जो मिला उनसे मिला, क्योंकि बढ़ती है कौमैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौमैन में नेमत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से वो चाक, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से वो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह, गंदे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। उनकी मर्जी पा गया सूरज फिरा उल्टे कदम, उनकी उंगली उठ गई महका कलेजा चिर गया, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, आप भी कह दो वहां भी दूर हो, वहां भी तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह के हम रसूलुल्लाह के हम रसूलुल्लाह के रसूलुल्लाह के। इतना प्यारा प्यारा जुमला है जी जाता है बस बोलते ही रहे, हम रसूलुल्लाह के हम रसूलुल्लाह के हम रसूलुल्लाह के। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के हम रसूलुल्लाह के हम रसूलुल्लाह के दूर हो, हम रसूलुल्लाह के हम रसूलुल्लाह के हम रसूलुल्लाह के। और जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। हम भिखारी सुभान अल्लाह, हम भिखारी और हमें नाज है, हम इस भिखारी इस भिखारीपन पे हमको नाज है, बल्कि ये तो हुजूर की बारगाह से हमको बहुत बड़ा एहसान है। और हम लाहौर की गलियों के भिखारी नहीं, हम मदीने की गलियों के भिखारी हैं सुभान अल्लाह। इसलिए बिना झिझक को कौन कौन भिखारी, कोई करोड़पति हाथ उठाए सबने उठाया माशाल्लाह, क्योंकि ये भी जानते हैं उधर से ही मिला, हाँ अपना कुछ नहीं सब पूरी का है हमारा कुछ नहीं। हाँ हम भिखारी
उनका खुदा उनसे फजूल। काट कर दी काट आला दत्त। कहते ना बस हुजूर से ही मांगते, हुजूर से ही मांगते हैं। हाँ मांगते और मांगेंगे इंशाल्लाह। तेरे बाप का क्या जाता है? बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूलल्लाह कहां पर तुझको गया? या इबादी के कि हमको शाहजादा बंदा कर लिया पर तुझको गया? देव के बंदों से कब है ये खिलाफनामा का है कहां पर तुझको गया? देव के बंदों से हमको क्या हम है अपने मुस्तफा पर तुझको गया? और तेरी दोस्तों से तो कुछ नहीं, खुद में पहुंचा रहा था फिर तुझको क्या? पढ़ते बाकी शाह साहब का उसको गुण बना दो तरन्नुम में। तेरी तो जख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी तो जख से तो कुछ छीना नहीं, खुद में पहुंचा रजा फिर कुछ को क्या? खुद में पहुंचा रजा तुझको क्या? सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या? सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या? दिल फंसा जिद नच दिया फिर तुझको क्या? दिल फंसा जिद नच दिया फिर तुझको क्या? नच दिया सब सच दिया फिर तुझको क्या? नच दिया सब सच दिया फिर तुझको क्या? उनको तमली के मली कुल मुल्क से, उनको तमली के मली कुल मुल्क से मालिक आलम कहा फिर तुझको क्या? मालिक आलम कहा फिर तुझको क्या? ये सुन्नी बस हुजूर से मांगते अल्लाह, हम मांगेंगे अल्लाह ने कहा। अल्लाह ने दरवाजा दिखाया वला वन्नहुम मिन ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, ये अल्लाह ने रास्ता दिखाया नहीं दिखाया? और रास्ता दिखाया। अल्लाह को कितना प्यार है उसके बंदों से, उसके महबूब के चाहने वालों से। यहां बंदों को भेजता है जाओ मेरे महबूब की बारगाह में, और वहां महबूब से फरमा रहा है ए महबूब जब कोई मानने वाला आ जाए तो मायूस ना करना, दे देना। सुभान अल्लाह। और सुन्नी मांगता है लेकिन अकीदा यही है कि देने वाला अल्लाह है। सुभान अल्लाह। देने वाला अल्लाह है, और रब रब होकर बगैर मसले देता नहीं। तू बंदा होकर बगैर मसले मांग, समझ में आई बात? जी जी। वो रब होकर बगैर मसले देता है। तो तू बंदा होकर बगैर मसले कैसे मांगेगा भाई? मांग लेकिन वसीला ढूंढ के मांग, वसीला तलाश कर। वसीला हमारा अकीदा यही है देने वाला अल्लाह है, लेकिन देता रब महबूब को है। कहना नहीं आदत रसूल अल्लाह, कहना नहीं आदत रसूल अल्लाह। टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदों बंद। ये पुल सिरात, ये हौज़े कौसर, ये मीजान,
ये कोई बराबर बराबर गलियों में नहीं होंगे कि इस गली के अंदर मिजान है तो अगली गली में कौसर है तो इस गली के अंदर पूरी सिरात है, नहीं, सैकड़ों साल की मुसाफत होगी। ये करीब करीब नहीं होंगे, फासलों पे होंगे। और कमाल की बात देखो, कोई हुजूर को कौसर पे बुला रहा है, कोई पुल सिरात पे बुला रहा है, कोई मीजान पे बुला रहा है, हुजूर इधर भी, हुजूर उधर भी, हुजूर इधर भी है? आज दुनिया में सरकार जिसे चाहे अपनी ताकत के जलवे दिखाए, लेकिन कयामत के दिन भाइयों खुल के सामने आएगी। हाँ, मेरे इमाम कहते हैं कि टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदों बंद, हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूल, हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूल। तकरीर का निचोड़ निकाल दूं, अदब के दायरे में रहते हुए तस्लीम तो माजर कर गए, हालांकि तसलसल मुश्किल होता है, खुलासा आसान होता है। मैं खुलासा निकालता हूं हजरत की तकरीर का, सुहाना उर्दू की मोहब्बत सब कुछ है, ये नहीं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। क्यों? सुनो, इमाम ने कहा कि वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, जो हुजूर से मुस्तगनी हुआ, जो हुजूर से बेपरवाह हुआ, वो किधर गया? जहन्नम में। बाबा से बोला जहन्नम में, और जोर से जहन्नम।